डियर स्टूडेंट्स इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट दोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट्स ये जो सीरीज है इलेक्ट्रो इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेज उसका पार्ट टू है आपसे पहले पिछले लेक्चर में मैंने कहा था कि वी विल इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द सेलेक्शन रूल्स

Okay, तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट क्या है कैसे उसको हम कैलकुलेट करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट टर्म्स को पढ़ने के लिए हमें पहले एक बार क्वांटम नंबर्स को देखना होगा क्वांटम संख्या के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं बी एस सी वन में इंटरमीडिएट में तो यहाँ पर एक बार मैं आपको और बता दूं कि क्वांटम नंबर्स में जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जिसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं इसकी वैल्यू वन से इन्फिनिटी तक होती है एन तक हो सकती हैं और ये क्या एक्सप्लेन करता है इट एक्सप्लेन्स द ऑर्बिट ऑफ दैट कंटेंस द इलेक्ट्रॉन ये ऑर्बिट के बारे में जानकारी देता है अबाउट शेल कौन सा शेल है उसकी जानकारी देता है उस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसकी जानकारी देता है और उस शेल का साइज क्या होगा उसकी एनर्जी क्या होगी इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो देता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर हम देखें एजी मुथल क्वांटम नंबर को तो एजी मुथल क्वांटम नंबर को हम ऑर्बिटल क्वांटम नंबर भी कहते हैं जिसे हम स्मॉल एल से दिखाते हैं और इसकी वैल्यू क्या होती है जीरो से एन माइनस वन तक होती है यानी एन जितना भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा इससे एक कम इसकी वैल्यू होगी और ये क्या डिस्क्राइब करता है इट डिस्क्राइब्स अबाउट द शेप ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल तो ये ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम को बताता है और उस पर्टिकुलर ऑर्बिटल के शेप के बारे में जानकारी देता है जिसे हम सब शैल कहते हैं और इसकी वैल्यू कितनी होती है एन के बराबर अगर एन एक है तो एल की वैल्यू एक होगी अगर एन टू है तो एल की वैल्यू कितनी होगी टू होंगी थर्ड काइंड ऑफ क्वांटम नंबर इज़ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तीसरा क्वांटम नंबर क्या है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एम से दिखाते हैं और ये क्या कर डिस्क्राइब करता है अबाउट ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स ओके इसकी वैल्यू कितनी होती है एन स्क्वायर के बराबर होती है इसके बारे में बहुत डीप में नहीं जाना है हमें और अगर मैं स्पिन क्वांटम नंबर की बात करूँ तो स्मॉल एस से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं या तो स्पिन प्लस हाफ होती है या माइनस हाफ होती है तो ये चार क्वांटम नंबर्स आपने पढ़े हैं इन क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज़ मैं आपको टेबल में अगेन दिखा रही हूँ ताकि आपको रिकॉल हो यहाँ देखिए आप क्वांटम uh, नंबर्स दिखाए गए हैं जैसे एन की वैल्यू अगर वन है तो एल की वैल्यू कितनी होगी जीरो एम की वैल्यू जीरो होगी और ये ऑर्बिटल क्या होगा वन एस तो हम इस तरीके से क्वांटम नंबर हमें चार है तो एल की वैल्यू चार पॉसिबल है जीरो वन टू थ्री और अगर एल uh, की वैल्यू जीरो है तो एम की वैल्यू जीरो है एल की वैल्यू अगर थ्री है तो ये सेवन वैल्यू पॉसिबल है प्लस थ्री से माइनस थ्री तो ये ऑर्बिटल क्या होगा फोर एफ़ यानी ये चारों क्वांटम नंबर से हमें क्या पता चल जाता है जो ऑर्बिटल है वो कौन सा है ये हमें पता चल जाता है तो अगर हम फैमिलियर होंगे इन क्वांटम नंबर्स से तो जो यहाँ पर जो बहुत काम के क्वांटम नंबर्स हैं वो स्पिन क्वांटम नंबर एंड एजिमुथल क्वांटम नंबर और ऑर्बिटल क्वांटम नंबर तो मैं अभी आप आपको कुछ दूसरे क्वांटम नंबर्स की जानकारी दूँ ये जो एम है एम इसको हम कहते हैं ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर ओके जिसको हम स्मॉल एल से भी दिखाएंगे और एम जो है वो स्पिन क्वांटम नंबर है जिसे हम जिसे हम एस से भी दिखाते थे अभी तक और की बात अगर मैं करूं तो इसको हम L कहते हैं या हम इसको सिग्मा एम मतलब okay? तो एल मतलब ये ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर है तो सिग्मा इन सब का जोड़ इन सब का जोड़ क्या होगा टोटल ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर और अगर मैं एम एस की बात करूँ जो कि कैपिटल एस है यहाँ हम इसको सिग्मा एम एस भी कहते हैं तो ये स्पिन एंगुलर क्वांटम नंबर है तो ये क्या हो गया टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर और इन दोनों क्वांटम नंबर से एक नया क्वांटम नंबर जनरेट होता है जिसे हम कहते हैं जे जो कि ये दोनों एंगुलर क्वांटम नंबर है देखिए एंगुलर क्वांटम नंबर तो दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो ऑर्बिटल भी हटा दिया हमने स्पिन भी नाम हटा दिया अब हमने कहा टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर तो ये क्वांटम नंबर आपसे मैंने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ में भी कहा था ये हमें ध्यान रखने हैं कि कौन कौन से आ, कौन से कैपिटल एल कैपिटल एस एंड जे ये तीन क्वांटम नंबर हमें याद रखने हैं जो कैपिटल एल की वैल्यू है वो हमें क्या बताती है एटमिक स्टेट के बारे में बताती है एटमिक स्टेट और एनर्जी लेवल के बारे में ये हमें बताती है तो ये जो एटमिक स्टेट है यानी जैसे हम कहते हैं कि स्मॉल एल से हमें पता चलता है कि स्मॉल एल अगर जीरो है तो स्मॉल एस मतलब एस ऑर्बिटल है अगर स्मॉल एल क्या है वन तो ऑर्बिटल कैसा है पी अगर स्मॉल एल टू है तो ऑर्बिटल कैसा है डी लाइक वाइज आप देखेंगे कि कैपिटल एल हमें बताता है किसके बारे में एनर्जी स्टेट के बारे में तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि कैसे एजिंगल क्वांटम नंबर देखिए एल है कैसे ये बताता है शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में तो ये मैंने आपसे कहा कि अपर ये एल जीरो है वन है टू है थ्री स्मॉल एल तो फिर ऑर्बिटल कैसा होगा ये आपको जानकारी मिल जाती है ऑर्बिटल कैसा होगा स्मॉल एस ओके पी वन है अगर टू है तो स्मॉल डी और अगर थ्री है तो स्मॉल एफ ये जानकारी हमें मिलती है ओके ऐसे ही मैंने आपसे ये कहा कि जो एल है वो हमें क्या जानकारी देता है कैपिटल एल क्या होता है कैपिटल एल इज़ एल वन प्लस एल टू प्लस एल थ्री ओके एनसो एल एल तक तो एल हमें क्या जानकारी देता है अगर कैपिटल एल जीरो होगा वन होगा टू होगा या थ्री होगा तो ये हमें क्या बताएगा ये हमें स्टेट बताएगा एटॉमिक स्टेट और इसे हम कह सकते हैं एनर्जी लेवल ये हमें किसके बारे में जानकारी देगा एनर्जी लेवल के बारे में ये अगर एस एल इज इक्वल टू ज़ीरो होगा तो एस स्टेट होगी कैपिटल एस अगर वन होगा तो कैपिटल बी होगा अगर टू होगा तो कैपिटल डी होगा और अगर थ्री होगा तो कैपिटल एफ़ होगा तो आप अंतर देखिए कि यहाँ पर जो स्मॉल लेटर से हमने दिखाए हैं ये ऑर्बिटल्स हैं ओके और जो कैपिटल लेटर से दिखाए हैं ये एनर्जी स्टेट्स हैं ये कैपिटल एल हमें बताती है कि कौन सी एनर्जी स्टेट होगी ओके अब मैं आपको नए स्पिन क्वांटम नंबर की जानकारी दूंगी नया क्वांटम नंबर जो कि टोटल स्पिन एंगुलर क्वांटम नंबर होता है जिसको हम कैपिटल एस से दिखाते हैं तो कैपिटल एस क्या होता है एस वन प्लस एस टू हर एक इलेक्ट्रॉन की अगर स्पिन को जोड़ देंगे प्लस एस थ्री एंड सोन तो क्या हो जाएगा कैपिटल एस जिसे हम सिग्मा एस से भी दिखाते हैं ओके okay? अब ये एस हमें क्या बताता है ये एस हमें बताता है अबाउट मल्टीप्लीसिटी मल्टीप्लीसिटी के बारे में ये हमें जानकारी देता है तो मल्टीप्लीसिटी क्या होती है मल्टीप्लीसिटी इज इक्वल टू टू एस प्लस वन अब देखिए अगर एस हाफ होगा तो ये मल्टीप्लीसिटी क्या हो जाएगी टू इफ एस इज इक्वल टू हाफ ओके और अगर ये मल्टीप्लीसिटी क्या होगी अगर एस इज इक्वल टू वन होगा इफ एस इज इक्वल टू वन देन मल्टीप्लीसिटी विल इक्वल्स टू थ्री तब मल्टीप्लीसिटी कितनी होगी थ्री होगी तो इस थ्री का मतलब है कि ये कैसी स्टेट है ट्रिपलेट स्टेट कैसी स्टेट है ट्रिपलेट स्टेट है टू का मतलब क्या है ये एक डबलेट स्टेट ये हमने नाम दे दिया मल्टीप्लिसिटी के अकॉर्डिंग तो एस हमें क्या बताता है कि अगर एस की वैल्यू हमें पता होगी तो हम क्या निकाल सकते हैं एम की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं अगर एम की वैल्यू देखिए टू है तो हम इसे क्या कह रहे हैं डबलेट अगर ये थ्री है तो हम इसे क्या कह रहे हैं ट्रिपलेट और अगर ये वन होती तो हम इसे क्या कहते सिंगलेट स्टेट आपने सुनी होगी कि ग्राउंड स्टेट सिंगलेट है या ट्रिपलेट है तो सिंगलेट और ट्रिपलेट हमें कैसे पता चलता है इफ़ यू नो दी एस ऐसा अगर हमें पता होगी तो हम मल्टीप्लीसिटी निकाल सकते हैं तो आपने दो चीज़ें पढ़ ली हैं एक आपने कैपिटल एल पढ़ा एक आपने कैपिटल एस पढ़ा कैपिटल एल से हमें पता लगती है स्टेट्स और एस से हमें पता चलता है मल्टीप्लीसिटी तीसरा जो मैंने आपको क्वांटम नंबर बताया था वो बताया था जे और जे की वैल्यू क्या होती है एक्चुअल में एल प्लस एस से ठीक है फिर दूसरी वैल्यू क्या होगी एल प्लस एस माइनस वन तीसरी वैल्यू क्या होगी एल प्लस एस माइनस टू फिर सो ऑन एल प्लस एस माइनस थ्री एंड सो ऑन अप टू एल माइनस एस तो ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी ये वैल्यू होगी एल प्लस एस से लेके एल माइनस एस तक ओके तो आपने देखिए क्या क्या पढ़ा आपने पढ़ा कैपिटल एल आपने पढ़ा कैपिटल एस जब आप एस को जानते हैं तो आप क्या निकाल सकते हैं मल्टीप्लीसिटी और जब आप एस और एल को जानते हैं तो आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं जे की वैल्यू ये तीन आपने चीज़ें पढ़ ली तो समझ लीजिए इलेक्ट्रॉनिक जो स्पेक्ट्रा है वो आप करने में कामयाब होंगे अब आप देखिए यहाँ पर मैंने यही कहा है कि अगर एल जो है वो करोस्पॉन्डिंग वैल्यू के अकॉर्डिंग हम उसकी स्टेट बता सकते हैं और एस अगर हमें पता होगा तो हम क्या बता सकते हैं मल्टीप्लिसिटी बता सकते हैं कि वो सिंगलेट स्टेट है डबलेट स्टेट है ट्रिपलेट है या क्वार्टेट है अब अगर हमें एल ओस एस पता होगा तो हम क्या कर सकते हैं हम आसानी से पढ़ सकते हैं रसल सान्ड्रस कपलिंग के बारे में जिसे हम एल एस कपलिंग भी कहते हैं ये जो कैपिटल एल है और कैपिटल एस है ये कपल करते हैं उसको हम कहते हैं एल एस कपलिंग या रसल सान्ड्रस कपलिंग तो ये मैंने आपको बताया कि कैपिटल एस हम कैसे निकालते हैं जब हम सारे इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन को जोड़ देंगे और हम कैपिटल एल कैसे कैलकुलेट करेंगे जब आप सारे इलेक्ट्रॉन्स की एल को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल गया एल और एस जब ये दोनों कपल होंगे तो ये क्या नया एक टर्म देंगे वो होगा जे ओके okay? और ये जो रसल सनड्रेस कपलिंग होती है बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इट इज़ हेल्पफुल इन कैलकुलेटिंग द ग्राउंड स्टेट टर्म ऑफ एनी कन्फिग्रेशन ये किस में हेल्पफुल होती है ग्राउंड स्टेट टर्म कैलकुलेट करने के लिए और जो किसी कोई भी स्टेट अगर हम देखें ग्राउंड स्टेट या कोई भी एनर्जी स्टेट को हम इस फॉर्मूला से लिखते हैं टू एस प्लस वन एल और यहाँ पर लिखेंगे जे जे की वैल्यू मैंने आपको बता दी है जे की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी नेगेटिव कभी भी नहीं होगी ओके तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू जे की होगी तो आप ये याद रखिए कि क्या कैसे हम एक स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं टू एस प्लस वन एल सबस्क्रिप्ट में क्या आएगा जी उसको मैं आपको बता रही हूँ आगे यहाँ पर देखिए पी टू कन्फिग्रेशन का एग्जाम्पल लिया है हमने पी टू कन्फिग्रेशन दो इलेक्ट्रॉन है ओके अब देखिए ये वाला जो ऑर्बिटल है पहला ये प्लस वन इसकी एम एस वैल्यू है एम वैल्यू है एम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है इसकी जीरो है और इस इलेक्ट्रॉन की क्या है माइनस वन तो हमें इन दो इलेक्ट्रॉन के लिए एल की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों की एल क्या हो गई पहले इलेक्ट्रॉन की एल हो गई प्लस वन और दूसरे इलेक्ट्रॉन की एल कितनी है जीरो तो प्लस वन एंड जीरो एल कितनी आ गई वन अगर एल वन है जैसे छोटा एल अगर वन होता है तो स्मॉल पी इज़ द ऑर्बिटल ऐसे ही अगर कैपिटल एल वन होगा तो स्टेट क्या होगी कैपिटल पी अब देखिए इन दोनों इलेक्ट्रॉन को दोनों की स्पिन अप डायरेक्शन में है इसकी प्लस हाफ और इसकी भी प्लस हाफ़ दोनों की स्पिन अगर जोड़ें तो प्लस हाफ प्लस हाफ इज इक्वल टू वन ओके तो एस हमें पता है तो हम क्या निकाल लेंगे मल्टीप्लीसिटी मल्टीप्लिसिटी कितनी आई तीन तो जे की जो जे की वैल्यूज़ होती हैं वो कितनी होती हैं जितनी मल्टीप्लीसिटी होती है यानी मल्टीप्लिसिटी तीन है तो इसकी तीन वैल्यू पॉसिबल हैं देखिए एस कितना है वन और एल कितना है वन एल प्लस एस टू एल प्लस एस माइनस वन वन एंड जीरो तो टू वन जीरो थ्री वैल्यू पॉसिबल होंगी कि मल्टीप्लिसिटी थ्री है थ्री वैल्यू पॉसिबल है तो देखिए स्टेट मैंने आपसे कहा था स्टेट हम कैसे लिखते हैं एल जे टू एस प्लस वन ये मल्टीप्लिसिटी यानी सुपर स्क्रिप्ट में मल्टीप्लिसिटी होगी मल्टीप्लिसिटी कितनी है तीन इसका मतलब तीन स्टेट्स पॉसिबल हैं स्पी टू कन्फिग्रेशन के लिए ग्राउंड स्टेट तीन पॉसिबल हैं एक होगी थ्री पी टू देखिए जे की वैल्यू क्या है टू क्यों ली है हम देखेंगे तो जे की वैल्यू टू हो सकती है जे की वैल्यू वन हो सकती है जे की वैल्यू जीरो हो सकती है इसलिए तीन वैल्यू पॉसिबल है थ्री पी टू थ्री पी वन एंड थ्री पी जीरो ओके अब मैं आपको ये बताऊंगी कि ये जो आपने देखी तीन स्टेट आपने देखी थ्री पी टू थ्री पी वन एंड थ्री पी जीरो देखिए आपने पी टू कन्फिग्रेशन के लिए पी टू कन्फिग्रेशन के लिए मैंने आपसे कहा कि ये दो इलेक्ट्रॉन हैं ये इलेक्ट्रॉन प्लस वन वाले एम में है और ये जीरो वाले में तो इसकी कैपिटल एल कितनी हो गई प्लस वन जीरो वन इसकी एस कितनी हो गई प्लस आफ प्लस ऑफ ओके इज इक्वल टू वन जे की वैल्यू कितनी पॉसिबल है जे की वैल्यू एल प्लस एस टू देन एल प्लस एस माइनस वन वन एंड जीरो और तीन वैल्यू कैसे पॉसिबल है मल्टीप्लिसिटी क्या आएगी मल्टीप्लिसिटी इज इक्वल टू तो टू एस प्लस वन तो आप देखिए यहाँ पर एस जो है वो वन है इससे मल्टीप्लीसिटी कितनी आ गई तीन आ गई और मैंने आपसे ये कहा कि ग्राउंड स्टेट कैसे लिखते हैं स्टेट लिखते हैं एल टू एस प्लस वन जे अब देखिए जे की कितनी वैल्यू पॉसिबल है तीन और m कितना है टू एस प्लस वन कितना है तीन और आप देखिए l इज इक्वल टू क्या है वन तो स्टेट क्या होगी p तो इसलिए एक आ गया थ्री पी टू पी टू थ्री थ्री पी वन देखिए वन है और थ्री पी जीरो तीन स्टेट है अब इन तीनों में से एक्चुअली द ग्राउंड स्टेट टर्म कौन सी हो? ये हमें बताना है इसके लिए हम अप्लाई करेंगे हुंड रूल यहां पर भी एक हुंड रूल आएगा उस रूल को अप्लाई करेंगे उससे हम बता पाएंगे कि कौन सी स्टेट ग्राउंड स्टेट है देखिए हुंड रूल कहता है कि वो स्टेट जिसकी मल्टीप्लिसिटी सबसे अधिक होगी उसमें सबसे अधिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि एस किसको बताता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को देखिए यहाँ पर दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो एस की वैल्यू वन है अगर तीन होते तो थ्री बाई टू होती तो जितने अधिक एस होगी उतनी अधिक क्या होगी मल्टीप्लिसिटी तो जितनी अधिक मल्टीप्लीसिटी होगी उतने अधिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने अधिक होंगे मतलब वो क्या होगी ग्राउंड स्टेट तो अकॉर्डिंग टू हन रूल अगर मैं कहूँ कि दो स्टेट है एक है थ्री पी और एक है वन डी ओके तो कौन सी स्टेट ग्राउंड स्टेट टर्म होगी तो कौन सी स्टेट ग्राउंड स्टेट होगी थ्री पी क्यों क्योंकि इसकी मल्टीप्लिसिटी अधिक है और इसकी मल्टीप्लेसिटी कम है तो हुड रूल के अकॉर्डिंग क्या है जिसकी ग्राउंड स्टेट टर्म वो होगी जिसकी मल्टीप्लेसिटी क्या होगी हायर होगी ओके अब दूसरा रूल देखिए क्या है दूसरा रूल यह है कि मान लीजिए दो स्टेट ऐसी हैं जिनकी मल्टीप्लिसिटी बराबर है ओके मान लीजिए एक थ्री पी और एक थ्री एफ है अब दोनों की मल्टीप्लीसिटी थ्री है ओके अब ग्राउंड स्टेट टर्म कौन सी होगी इसके लिए हमें क्या देखना होगा इसके लिए हमें देखना होगा एल की वैल्यू इसमें एल की वैल्यू कितनी है वन इसमें एल की वैल्यू कितनी है थ्री तो अब हुड रूल ये कहेगा कि जहाँ पर एल की वैल्यू अधिक है अगर ये जो मल्टीप्लीसिटी है वो एक सी है तो वो क्या होगी ग्राउंड स्टेट टर्म होगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एल इज इक्वल टू वन है पी के लिए और एफ के लिए एल इज इक्वल टू कितना है थ्री है तो कौन सी ज़्यादा है थ्री वैल्यू इसका मतलब है क्या कहता है हुड रोल जिसकी एल वैल्यू अधिक होगी वही ग्राउंड स्टेट टर्म होगी अगर मल्टीप्लीसिटी इज सेम तो थ्री एफ विल बी द ग्राउंड स्टेट टर्म तो पहला रूल है कि जहाँ पर क्या होता है जहाँ पर मल्टीप्लेसिटी अधिक होगी वो ग्राउंड स्टेट टर्म होगी और अगर मल्टीप्लेसिटी सेम है तो एल की वैल्यू जहाँ हाइस्ट होगी वो क्या होगी ग्राउंड स्टेट टर्म होगी थर्ड एग्जाम्पल आप देखेंगे देखिए यहाँ पर जो हमने लिखा है यहाँ पर देखिए एल की वैल्यू भी बराबर है और जो मल्टीप्लिसिटी है वो भी बराबर है इसमें जो अलग है वो है जे ओके तो अब जे की वैल्यू डिसाइड करेगी कौन सी ग्राउंड स्टेट टर्म होगी तो हुड रूल के अकॉर्डिंग जे की वैल्यू हम लेते हैं लोएस्ट कब कब लेंगे जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या तो हाफ फील्ड होगा या फिर क्या होगा लेस देन हाफ फील्ड ओके ये हम लेंगे और अगर जे की वैल्यू हम हाईएस्ट कब लेंगे जब कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा हाफ फील्ड से अधिक होगा तो यहाँ पर हमने जो कॉन्फ़िगरेशन लिया था वो लिया था पी टू बी टू का मतलब है ये लेस देन हाफ फील्ड है ये क्या है लेस देन हाफ फील्ड तो अगर ये लेस देन हाफ फील्ड है तो जे की वैल्यू हम क्या लेंगे जो सबसे कम होगी दिस वन सो दिस विल बी द ग्राउंड स्टेट टर्म ये क्या होगी ग्राउंड स्टेट टर्म होगी तो हुंड रूल हमें हेल्प करता है कि कौन सी स्टेट ग्राउंड स्टेट होगी और कौन सी नहीं होगी तो ये तीन रूल आपने मेजर पढ़े कि एक तो मल्टीप्लिसिटी पे डिपेंड करती है दूसरा डिपेंड करती है एल वैल्यू के ऊपर और तीसरा डिपेंड करती है ये जे के ऊपर तो जे वैल्यू पर भी डिपेंड करती है ग्राउंड स्टेट टर्म तो इस स्लाइड को अगर देखेंगे तो यहाँ पर यही लिखा है कि हाइएस्ट वैल्यू ऑफ स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होती है वहाँ पर हाईएस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो क्या होती है ग्राउंड स्टेट टर्म और अगर कहीं पर अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी बराबर होगी तो फिर टर्म जिसमें की लार्जेस्ट एल वैल्यू होगी वो क्या होगी ग्राउंड स्टेट टर्म होगी और ये मैंने आपको बता दिया है लेस देन हाफ फील्ड एंड हाफ फील्ड जे की वैल्यू हमें अगर लेस देन हाफ फील्ड और हाफ फील्ड है तो जे की लोएस्ट वैल्यू लेंगे और अगर जे की हाईएस्ट वैल्यू कब लेंगे जब मोर देन हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन होगा तो तो यहाँ पर आपको पी टू कन्फिग्रेशन की ग्राउंड स्टेट क्या आ गई थ्री पी जीरो इस तरीके से आप डिफरेंट कन्फिग्रेशन की ग्राउंड स्टेट कैलकुलेट कर सकते हैं देखिए ये जो कन्फिग्रेशन हैं वो पी एन कन्फिग्रेशन है पी वन कन्फिग्रेशन पी वन एक कितनी स्पिन होगी हाफ मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी टू टू एस प्लस वन जे की वैल्यू एल की वैल्यू क्या होगी बच्चों वन होगी क्योंकि ये प्लस वन वाले में है आप इस इलेक्ट्रॉन को अरेंज करके देख सकते हैं तो जे की वैल्यू कितनी पॉसिबल है मल्टीप्लिसिटी इज़ टू जे की वैल्यू कितनी होगी थ्री बाई टू एंड हाफ दो वैल्यू पॉसिबल है स्टेट है पी तो मल्टीप्लिसिटी है टू तो ये क्या होगा टू पी थ्री बाई टू टू पी हाफ ये कैसा कन्फिग्रेशन है लेस देन हाफ फील तो जे की वैल्यू कौन सी लेंगे कम वाली ग्राउंड स्टेट टर्म क्या हो गई टू पी वन अपॉन टू पी टू कन्फिग्रेशन पी टू कन्फिग्रेशन में दो अन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो एस की वैल्यू कितनी हो गई एक मल्टीप्लिसिटी कितनी हो गई तीन तो एल की वैल्यू कितनी होगी वन तो स्टेट क्या है पी और जे की वैल्यू तीन पॉसिबल है तो तीन स्टेट पॉसिबल है थ्री पी टू थ्री पी वन थ्री पी जीरो ये लेस देन हाफ फील्ड है इसलिए ग्राउंड स्टेट टर्म क्या होगी थ्री पी जीरो अब अगर मैं देखिए P3 तो हम देख लेंगे अगर आप P4 को देखिए P4 में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं ये P2 की तरह है ठीक है P2 की तरह इसमें भी दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे देखिए बिल्कुल एक सी स्टेट है ये तीनों एक सी स्टेट है लेकिन यहाँ पर जो ग्राउंड स्टेट टर्म होगी वो थ्री पी टू होगी जबकि यहाँ पर ग्राउंड स्टेट टर्म क्या थी थ्री पी जीरो क्योंकि ये कन्फिग्रेशन था लेस देन हाफ फेड तो हम जे की कम वैल्यू को लेंगे और ये कन्फिग्रेशन है मोर देन हाफ फिल तो जे की हाईएस्ट वैल्यू वाली वैल्यू को हम लेंगे तो यहाँ पर ग्राउंड स्टेट टर्म क्या होगी थ्री पी टू ओके अब पी फाइव कन्फिग्रेशन को देखिए इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होगा और पी वन में भी एक इलेक्ट्रॉन होता है बिल्कुल एक सी स्टेट है देखिए टू पी थ्री बाई टू टू पी वन बाई टू दोनों में एक सी लेकिन यहाँ पर ग्राउंड स्टेट ये होगी जहाँ पर जे की वैल्यू लोएस्ट होगी क्योंकि ये लेस देन हाफ फील्ड है ओके okay? यहाँ पर ये ये वैल्यू होगी क्योंकि तो ये मोर देन हाफ फील्ड है पी सिक्स में अगर आप देखेंगे वन एस जीरो होगी ग्राउंड स्टेट टर्म और पी थ्री में अगर आप देखेंगे थ्री बाई टू एस होगा तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं चार इसकी स्पिन मल्टीप्लीसिटी होगी और एल की वैल्यू जीरो होगी जो भी हाफ फील्ड या फुल फील्ड कन्फिग्रेशन होते हैं उनके केस में हमेशा एल की वैल्यू क्या आती है जीरो आती है अभी मैं आपको दिखाऊंगी कैसे आती है और यहाँ पर आप देखिए दो पॉसिबल वैल्यू हैं लेकिन ये कन्फिग्रेशन क्या है हाफ फील्ड तो लोअर वैल्यू लेंगे जिसमें जे की वैल्यू क्या होगी लोअर होगी इसलिए ग्राउंड स्टेट टर्म क्या हो गई ये तो हम किसी भी कन्फिग्रेशन की ग्राउंड स्टेट टर्म निकाल सकते हैं विद दी हेल्प ऑफ रसल सैंड्रेस कपलिंग अब आपसे मैंने कहा कि कोई भी कन्फिग्रेशन अगर हाफ फिल्ड हो तो मान लीजिए ये पी कन्फिग्रेशन है और इसमें तीन इलेक्ट्रॉन्स हैं ओके ये प्लस वन वाले में है ये जीरो वाले में है और ये माइनस वन वाले में तो यहाँ पर देखिए एक प्लस वन एक जीरो एक माइनस वन तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो तो जब भी एल की वैल्यू जीरो होगी तो स्टेट क्या होगी हमेशा एस होगी कोई भी हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन ले लीजिए आप डी फाइव लीजिए ठीक है अगर आप डी फाइव लेंगे तो आप देखिए यहाँ पर वन टू थ्री फोर एंड फाइव यहाँ पर इस ये प्लस टू है ये प्लस वन है ये जीरो है ये माइनस वन है और ये माइनस टू है तो देखिए ये सब अगर जुड़ेंगे तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी जीरो आ जाएगी अगेन स्टेट क्या होगी एस देखिए प्लस टू प्लस वन जीरो माइनस वन माइनस टू सबको जोड़ दीजिए तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी जीरो तो इस तरीके से हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन की और फुल फील्ड की दोनों के ही केस में क्या होगा आ, जो स्टेट है वो एस आई देखिए ये है पी और अगर मैं पी सिक्स कन्फिग्रेशन की बात करूँ तो सब में इलेक्ट्रॉन है तो इसकी क्या हो जाएगी प्लस टू प्लस टू दो प्लस टू है यहाँ सॉरी प्लस वन ओके यहाँ पर क्या है जीरो जीरो और ये एक इलेक्ट्रॉन की माइनस वन है दूसरे की भी कितनी माइनस वन आप इन सबको जोड़िए कितना आएगा जीरो तो स्टेट क्या आ जाएगी एस ओके okay. तो किसी भी हाफ फील्ड या फुल फिल्ड कन्फिग्रेशन के केस में आप देखेंगे जो स्टेट होगी वो हमेशा क्या होगी एस होगी ये ग्राउंड स्टेट टर्म्स फॉर डी एंड कन्फिग्रेशन तो ये डी वन से लेके डी टेन कन्फिग्रेशन दिए हुए हैं यहाँ पर ग्राउंड स्टेट टर्म कैलकुलेट कर सकते हैं और आप देखेंगे डी वन कन्फिग्रेशन एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसलिए स्पिन हाफ है दो वाले ये जो मल्टीप्लिसिटी है इसकी दो होगी और जो एल वैल्यू है वो टू होगी क्योंकि ये प्लस टू वाले ऑर्बिटल में होगा अभी मैं आपको करके दिखाऊंगी डी ऑर्बिटल भी मैंने आपको करके दिखाया है तो दो वैल्यू देखिए दो मल्टीप्लीसिटी है तो दो वैल्यू पैसे होंगी लूँगी जे की और यहाँ पर देखिए टू डी फाइव बाई टू एंड टू डी थ्री बाई टू यहाँ पर जो लोअर जे वैल्यू वाली जो स्टेट है वो क्या होगी इसकी ग्राउंड स्टेट टाप होगी तो आप डिफरेंट कन्फिग्रेशन की ग्राउंड uh, स्टेट निकाल सकते हैं देखिए डी फाइव एस और जो डी टेन है वो भी क्या है एस है ओके okay? अब आप देखिए यहाँ पर डी वन कन्फिग्रेशन या डी नाइन दोनों में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है लेकिन एक लेस देन हाफ़ फील्ड है एक मोर देन हाफ फील्ड है तो यहाँ पर ग्राउंड स्टेट टर्म कौन सी होगी टू डी फाइव बाई टू यहाँ पर ग्राउंड स्टेट टर्म क्या होगी टू डी थ्री बाई टू अब यहाँ पर देखिए डी टू में भी दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और डी एट में भी दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो एक सी स्टेट है लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो स्टेट है ये ग्राउंड स्टेट होगी क्योंकि ये जो कन्फिग्रेशन है ये मोर देन हाफ फील्ड है और डी टू लेस देन हाफ फील्ड है तो ये जो है वो क्या होगी ग्राउंड स्टेट टर्म तो हम देखते ही बता सकते हैं कि इन कन्फिग्रेशन में से कौन सी ग्राउंड स्टेट टर्म होगी देखिए डी फोर एंड डी सिक्स दोनों में ही चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें जो डी फोर है लेस देन हाफ फील्ड है तो ग्राउंड स्टेट टर्म फाइव डी ज़ीरो होगी और जो डी सिक्स है वो मोर देन हाफ फील्ड है इसलिए यहाँ पर ग्राउंड स्टेट टर्म क्या होगी फाइव डी फोर तो आई थिंक आप समझ गए हैं आप इस कन्फिग्रेशन में देखते ही बता देंगे अगर आपको ये कन्फिग्रेशन पता होगा कि इनमें से कौन सी ग्राउंड स्टेट टर्म है आप जे की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं आप एल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं आप एस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं आप मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं तो आप इजीली ग्राउंड स्टेट टर्म भी कैलकुलेट कर सकते हैं तो इस लेक्चर को हम कंक्लूड करते हैं और इस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा इसमें हमने पढ़ा क्वांटम नंबर्स के बारे में जो हम पहले ही ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपनी पहली क्लासेस में फिर हमने कुछ डिफरेंट क्वांटम नंबर्स भी देखे जो कि इन्हीं क्वांटम नंबर से रिलेटेड थे और अगर उन क्वांटम नंबर को जोड़ दिया जाए तो हमें एक नए क्वांटम नंबर मिला एल और दूसरा मिला कैपिटल एस और इन एल और एस की कपलिंग अगर हो जाए तो एक नया क्वांटम नंबर है दैट इज़ टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर एंड दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई जे और हमने देखा एल हमें क्या बताता है एटॉमिक स्टेट्स के बारे में और एस हमें क्या बताता है अबाउट मल्टीप्लिसिटी ओके मल्टीप्लिसिटी जिसे हम सुपर स्क्रिप्ट में लिखते हैं फिर आपने देखा कि रसल सैंड्रेस कपलिंग अगर हमें एल और एस के बीच की कपलिंग बताओ तो हम स्टेट निकाल सकते हैं ग्राउंड स्टेट निकाल सकते हैं जिसका जनरल फॉर्मूला क्या है मल्टीप्लिसिटी सुपर स्क्रिप्ट में देन कैपिटल एल देन जे इन द स्क्रिप्ट तो ये सारी वैल्यू हम किसी भी सिस्टम के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं और आपने देखा हुंड रूल कैसे हम हुंड रूल को अप्लाई करते हैं फॉर इवेल्युएटिंग द ग्राउंड स्टेट टर्म अमंग द डिफरेंट स्टेट्स तो हम डिफरेंट स्टेट्स के बीच में कैसे ग्राउंड स्टेट टर्म को पता लगा सकते हैं उसके लिए हुंड रूल है टर्म विद हाईएस्ट मल्टीप्लिसिटी ग्राउंड स्टेट होगी टर्म विद हाईएस्ट एल वैल्यू अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी सेम है तो हम इस बेसिस पर आ, क्या पता लगा सकते हैं ग्राउंड स्टेट टर्म पता लगा सकते हैं स्पेशली अब हमें क्या करना है अब हमें ये करना है कि हमें सब पता लग गया कि किस किस कन्फिग्रेशन की क्या क्या ग्राउंड स्टेट है तो अब हमें कहाँ ध्यान देना है कि वो वो वाले कॉन्फ़िगरेशंस जहाँ पर ग्राउंड स्टेट टर्म क्या है डी है वो कौन से कन्फिग्रेशन है देखिए डी वन डी वन की ग्राउंड स्टेट डी है कैपिटल डी ठीक है फिर आप देखिए डी फोर डी फोर की ग्राउंड स्टेट है डी कैपिटल डी ओके देन डी सिक्स की जो ग्राउंड स्टेट है वो है डी और D9 नाइन की जो ग्राउंड स्टेट है वो है d तो हमें केवल ये चार कन्फिग्रेशन्स के ही ये बहुत सरल है जो d कन्फि जो d स्टेट होती है बहुत आसान होती है इसलिए आपके कोर्स में रखी गई है कि जो D1 वन है D4 फोर है D6 सिक्स है और D9 नाइन ये चार कन्फिग्रेशन्स आपको ध्यान में रखने हैं ये चार कन्फिग्रेशन ऐसे हैं जिनकी ग्राउंड स्टेट टर्म क्या होती है डी होती है इसीलिए हमें ये चार कन्फिग्रेशन की ही स्टडी करनी है ओके okay? तो आपको ध्यान रखना है डी वन डी फोर डी सिक्स एंड डी नाइन तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे कि ये जो डी ग्राउंड स्टेट है इसका स्प्लिटिंग कैसे होता है ऑक्टाहीट्रल या टेट्राहीट्रल फील्ड में सो दिस इज ऑल अबाउट दी कैलकुलेशंस ऑफ ग्राउंड स्टेट टर्म्स तो ये ग्राउंड स्टेट टर्म्स को कैलकुलेट करने के बारे में था सो थैंक यू वेरी मच